उत्तराखंड पुलिस के सभी साथियों को मेरा जय हिंद। साथियों, आप सभी जानते हैं कि 1 जुलाई 2024 से हमारी न्याय प्रणाली में 3 नए कानून लागू हो रहे हैं, जो 3 जो हमारे पुराने कानून थे उनकी जगह लेंगे। भारतीय जो इंडियन पिनल कोड था उसकी जगह नया कानून आ रहा है, CRPC की जगह नया कानून आ रहा है और एविडेंस एक्ट की जगह नया कानून आ रहा है। और आप सभी सहमत होंगे कि इन तीनों कानूनों को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए सबसे अधिक जिम्मेदारी पुलिस विभाग की होगी। इसको समझते हुए पिछले कुछ महीनों में हम लोगों ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों के लिए और कुछ कर्मियों के लिए ऑफलाइन मोड में ट्रेनिंग ऑलरेडी कराई जा चुकी है, लेकिन जो इन एक्ट्स को लागू करने का, पब्लिक के साथ इन एक्ट्स को ठीक से इम्प्लीमेंट करने की जो सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी होगी, हमारे कांस्टेबल्स, हेड कांस्टेबल स्तर के सभी पुरुष और महिला अधिकारियों की, कर्मचारियों की, तो उनके लिए हम लोगों ने ऑनलाइन ट्रेनिंग की व्यवस्था की है। इसमें 18 ऑनलाइन ट्रेनिंग मॉड्यूल्स हमने बनाए हैं और जो कि iGOT पर अपलोड किए जाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आप सभी 1 जून से 30 जून के बीच में इन 18 मॉड्यूल्स का अध्ययन कर इनसे जुड़ी जो हम ऑनलाइन टेस्ट हैं उनको क्वालिफाई करें, ताकि 1 जुलाई आते आते उत्तराखंड पुलिस का हर कर्मचारी, हर अधिकारी इन कानूनों की अच्छे से समझ रखे और इनको ठीक से इम्प्लीमेंट करने में सक्षम हो। मुझे पूरा विश्वास है कि इस विषय के महत्व को देखते हुए हमें आपसे पूरा सहयोग और पूरे मनोबल के साथ आपकी मेहनत देखने को मिलेगी। और 1 जुलाई आते आते जब ये कानून लागू होंगे पूरे देश में, तो उत्तराखंड पुलिस इनको सफलता से लागू करने वाली देश की सभी पुलिस फोर्सेज में अग्रिम पंक्ति में होगी। इसी आशा के साथ आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद साथियों, जैसा कि आप सबको विदित है कि 1 जुलाई 2024 से नए आपराधिक कानून देश में लागू होने जा रहे हैं। ये पूर्व में ही दिसंबर 2023 में पार्लियामेंट से पास किए जा चुके हैं और अब इनके लागू करने की तिथि हमारे पास आ रही है। उत्तराखंड पुलिस द्वारा संपूर्ण पुलिस बल को इसमें ट्रेनिंग देने के लिए एक रोड मैप तैयार किया गया था, जिसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में इसकी ट्रेनिंग हमारे द्वारा प्लान की गई थी। जो ऑफलाइन मोड की ट्रेनिंग थी वो IOs के लिए और जो डायरेक्टली विवेचना से संबंधित पद हैं उनके लिए कराई गई है। ये 5 दिवस की ट्रेनिंग थी और ये अपने आखिरी चरण में चल रही है। अब हम आते हैं अलग रैंक, जो डायरेक्टली विवेचना तो नहीं करेंगे लेकिन वो अभिन्न अंग हैं, चाहे वो संबन तामिल हो, चाहे वो मुलजिमों की पेशी हो, और जो हमारे अन्य रैंक हैं जो दूसरी यूनिट्स में काम कर रहे हैं, उन सबको भी इन कानूनों का पूर्ण ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। इसके लिए उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय द्वारा ट्रेनिंग के लिए ऑनलाइन मॉड्यूल तैयार किए गए हैं। ये 3 मॉड्यूल हैं। अब मैं आपको ये बताऊँगा कि आपके द्वारा ये मॉड्यूलों पर ट्रेनिंग ऑनलाइन अपने स्थान पर, अपने टाइम में इसको कैसे किया जाएगा। इसमें कोई आप ट्रेनिंग सेंटर में नहीं आएंगे, ये आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि आप इन मॉड्यूलों को अपने लेवल पे कंप्लीट करें। जब आप ऑनलाइन ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेंगे तो आपका सर्टिफिकेट भी ऑनलाइन आपको मिलेगा और आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ मुख्यालय में भी इस चीज़ की मॉनिटरिंग होगी। जैसे ही आप मॉड्यूल कंप्लीट करेंगे हमें भी जानकारी हो जाएगी कि आपके द्वारा मॉड्यूल कंप्लीट कर लिया गया है। अब मैं आपको इसके प्रोसेस के थ्रू लेके जाऊंगा। भारत सरकार का जो पोर्टल है iGOT कर्मयोगी, मैं पुनः रिपीट करूंगा, iGOT कर्मयोगी जो भारत सरकार का पोर्टल है, ये जो ऑनलाइन मॉड्यूल उत्तराखंड पुलिस द्वारा तैयार किए गए हैं इनको iGOT कर्मयोगी पोर्टल पर डाला जाएगा। तो इसके बाद जो समस्त फोर्स है, जो उत्तराखंड पुलिस की तमाम नफरी है, उनके सबके डिटेल प्राप्त करके उन सबका रजिस्ट्रेशन मुख्यालय द्वारा iGOT कर्मयोगी पोर्टल पर कराया जा चुका है। आप लोगों को का रजिस्ट्रेशन उसमें ऑलरेडी हम लोगों द्वारा यहाँ मुख्यालय स्तर पे डिटेल्स आपके लेके कराया जा चुका है। अब इस पोर्टल पर आप जाएंगे कैसे, इसके 2 माध्यम हैं। इसका वेब पोर्टल भी है, जैसे आप लोग गूगल या कोई अन्य वेबसाइट खोलते हैं अपने लैपटॉप में, वैसे आप खोल के इसको वेब पेज की तरह जा सकते हैं। इसका जो वेब एड्रेस है वो है iGOT
KRMYOGI कर्मयोगी KRMAYOGI कर्मयोगी .gov.in इसको आप टाइप करेंगे वेबसाइट में तो आपको ये पोर्टल खुलेगा। उसमें जब आप जाएंगे तो उसमें लॉगिन करने के लिए आपसे पूछेगा, दो कॉलम है उसमें, एक रजिस्टर है एक लॉगिन है। आप लॉगिन में जाएंगे, लॉगिन दो तरीके से होगा, एक आपके ईमेल आईडी जो आपका यहाँ फीड किया गया है जो आपने दिया होगा, और दूसरा मोबाइल नंबर के माध्यम से। इसमें जब आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे तो आपके मोबाइल पे OTP आएगा, आप डालेंगे और लॉगिन कर सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा माध्यम है iGOT कर्मयोगी पे ट्रेनिंग करने का, वो है कि आप गूगल स्टोर पे या प्ले स्टोर पे जाएं या एप्पल स्टोर में जाएं और iGOT कर्मयोगी सर्च करें। तो इसको ये ऐप के रूप में भी उपलब्ध है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और सेम जैसे OTP के माध्यम से अपना मोबाइल नंबर डाल के इस ऐप को डाउनलोड करके इस ट्रेनिंग प्रोग्राम और मॉड्यूल्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो आपको तमाम जो इस iGOT पोर्टल पे जो कोर्सेज हैं सब कोर्सेज दिखेंगे। विभिन्न एजेंसियों द्वारा नए आपराधिक कानूनों पे कोर्स डेवलप किए गए हैं और उसमें डाले गए हैं, BPRND द्वारा, अन्य जो एजेंसियां हैं उनके द्वारा भी, स्टेट पुलिस जो है उनके द्वारा भी एक कोर्सेज डिज़ाइन करके उसमें डाले जा रहे हैं। तो जब आप इसमें जाएंगे, पोर्टल खुल जाएगा आपका, तो आपको सर्च करना पड़ेगा। आप उसमें सर्च करेंगे उत्तराखंड पुलिस कोर्स ऑन न्यू क्रिमिनल लॉज, इस नाम से हमारे जो कोर्सेज हैं ये मॉड्यूल होस्ट होंगे। मैं पुनः रिपीट करता हूँ, उत्तराखंड पुलिस कोर्स ऑन न्यू क्रिमिनल लॉज आप डालेंगे तो आपको जो उत्तराखंड पुलिस के लिए बनाए गए हैं मॉड्यूल वो आपके उसमें आ जाएंगे। कोर्स में आप एनरोल करेंगे और इसको देखना शुरू कर देंगे। इसमें मैं आगे की आपको बताऊं, जब आप इसमें जाएंगे तो ये इसमें तीन मॉड्यूल हैं, जो तीन नए कानून हैं उनका अलग अलग से मॉड्यूल बनाया गया है और एक उसमें मॉड्यूल की इंट्रोडक्शन है। जो तीन मॉड्यूल हैं उसमें 18 सेशन है। जैसे अगर हम भारतीय न्याय संहिता की बात करें तो उसमें 7 सेशन हैं, अगर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की बात करें तो उसमें 9 सेशन हैं, और लास्ट के 2 सेशन जो हैं वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में है, जिसमें एक SOP है जिसमें बताया गया है कि जो डिजिटल एविडेंस है उसको कैसे हम लोग अधिग्रहण करेंगे, कलेक्ट करेंगे और उसके साथ हैंडलिंग कैसे की जाएगी, ये केस स्टडी के माध्यम से बताया गया है। जब आप ये मॉड्यूल करेंगे तो प्रत्येक मॉड्यूल के बाद एक टेस्ट होगा। क्वेश्चंस के बीच में भी जो मॉड्यूल हैं, ये जैसे 7 सेशन हैं तो ये 7 वीडियोस के रूप में हैं। जब आप इनको देखेंगे तो बीच में क्वेश्चन आएंगे और लास्ट में इसके क्वेश्चन आंसर जो आएंगे उसको आपको पास करना होगा, जिसमें 50% मार्क्स लाने आवश्यक है। अगर आप नहीं लाते हैं तो आपको इसको पुनः रिपीट करना होगा। तो ये मैंने आपको बताया है इसके मॉड्यूल के बारे में, जो इसके डिटेल्स थे। ये आपको 1 जून से जो उपलब्ध होंगे मॉड्यूल इस उसमें, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये ऑलरेडी उपलब्ध होंगे, तो आप तुरंत जो है इसमें लॉगिन कर सकते हैं जैसा मैंने विधि आपको बताई। और इसके बाद मैं नंबर भी बताऊंगा, अगर आपका लॉगिन नहीं हो रहा है तो हम यहाँ से 2 हेल्पलाइन नंबर भी दे रहे हैं जिसमें आप व्हाट्सएप के माध्यम से अपने डिटेल शेयर कर सकते हैं, तो वो आपको लॉगिन करने में आपकी मदद करेंगे और आपका रजिस्ट्रेशन अगर किसी वजह से त्रुटिवश हो गया है तो वो उसको करेक्ट भी करेंगे। तो ये मैंने मुख्य रूप से आपको बताया कि मॉड्यूल के क्या विशेषताएँ हैं। अब जो है जैसे ये 1 जून से हमने बताया, तो 20 जून तक ये आपको अपने समय में करना है। आप दिन में कर सकते हैं, रात में कर सकते हैं, जब आपके पास फ्री टाइम हो। ध्यान से करना है क्योंकि उसके बाद सवाल इसी से रिलेटेड आएंगे जो मॉड्यूल्स बनाए हैं। इसको सरल तरीके से बताया गया है, जितना सरल हो सके ताकि आप आसानी से इसको समझ सकें। इसके साथ साथ मॉड्यूल में जो उत्तराखंड हस्त पुस्तिका है, जो अभी आपके पास फिजिकल कॉपी भी होगी, आपके हाथ में भी होगी, हर एक के लिए एक कॉपी बनाई गई है, उसको भी आप रेफ़र कर सकते हैं। ये मॉड्यूल उसी पे आधारित है ताकि आपको आसानी से इस मॉड्यूल को समझने में और रेफ़र करने में भी कोई परेशानी ना हो। तो हमारा पुनः कहना है कि ये सब मॉड्यूल करेंगे, इसको हमारे जो फोर्स है उसके मोटिवेशन के लिए इसमें इनाम भी रखे गए हैं। जैसे जो फर्स्ट 10 लोग इसमें जो मेरिट में आएंगे, सबसे ज़्यादा मार्क्स लाएंगे और जल्दी करेंगे दोनों साथ साथ, तो उनको 10,000 का इनाम मिलेगा। अगले 50
कर्मचारी जो इसको करेंगे उनको 5,000 का इनाम मिलेगा और अगले 100 कर्मचारी इसको जो मेरिट में आएंगे उनको 2,500 का इनाम मिलेगा। बाकी जो इसको कंप्लीट नहीं करेंगे उन पर कार्रवाई भी की जाएगी, क्योंकि ये विभागीय निर्देश हैं, तो अगर इसकी अवहेलना करते हैं तो इसमें उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। जो इसमें नोडल अफसर हैं उनको भी लगातार इसकी मॉनिटरिंग करनी है कि उनकी फोर्स इसको टाइम से करे, क्योंकि उनके लेवल पे बहुत ही सतर्कता बरतनी होगी, कोई लापरवाही इसमें मुख्यालय द्वारा इसको देखा जाएगा, स्ट्रिक्ट तरीके से देखा जाएगा। और उसके बाद मान लिया फिर और भी लोग अगर जो नहीं इसमें कर पाते हैं, मान लिया वो किसी तरीके से टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड नहीं है, तो उनका भी जो है प्रोविज़न एसपी लेवल पे उनको करना पड़ेगा, उनको क्लोज करके जैसे आपने ऑफलाइन प्रशिक्षण कराया है उसी की विधि से हमने इसमें लिखा है कि आप कराएंगे। जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है 100% रजिस्ट्रेशन उनका इंश्योर कर लेंगे, क्योंकि इसी माध्यम से जो है जल्दी इसको कंप्लीशन किया जाना संभव है। और जो मैंने आपको डिटेल्स दिए हैं वो सारे के सारे आपको पत्र द्वारा पहले ही 16 मई को ये पत्र निर्गत किया जा चुका है, जिसमें ये सारी एसओपी का डिटेल में उसमें बताया गया है कि किस किस स्तर से क्या कार्रवाई करनी है, ये सभी से शेयर भी करेंगे। अब मैं लास्ट में जैसा आपको बताया था कि दो जो हम लोगों ने हेल्पलाइन नंबर इसमें दिए हैं मैं उनकी चर्चा कर लेता हूँ। पहला नंबर है 9634796823 और अगला नंबर है 8171078898। तो ये नंबर्स हैं, अगर कोई किसी को व्यक्तिगत समस्या इसमें आ रही है तो यहाँ हेल्पलाइन में वो कांटेक्ट कर सकता है। जब आप इसको पूर्ण कर लेंगे तो आपके पास 3 सर्टिफिकेट होंगे, भारतीय न्याय संहिता कंप्लीट करने का, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कंप्लीट करने का और भारतीय साक्ष्य अधिनियम कंप्लीट करने का। ये बहुत ही सुगम तरीके से मॉड्यूल बनाए गए हैं ताकि आप अपने समय से अपने ड्यूटी पॉइंट पे या अपने घर पे इसको कंप्लीट कर सकें। मैं पुनः आप सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि आप समय से ये मॉड्यूल कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद में एक फीडबैक भी इसमें फॉर्म में लिया जाएगा, जो अगर आपको कोई समस्या आई हो या आपके कोई डाउट बचे हों तो आप इसमें पूछ सकते हैं, यथासंभव उनको जल्द से जल्द क्लियर किया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।